तो दोस्तों, वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे इंस्टॉल की जाती है उसके लिए हम ये गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम से हम गो डैडी के अकाउंट में चले जाएंगे, अपने जो गो डैडी का हमारा अकाउंट है उस वेबसाइट का, हम उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि वो आप साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद आपका यहाँ साइन इन करेंगे अपना, साइन इन में यूज़र आईडी पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। आप अपने अकाउंट में चले जाएंगे, अपने अकाउंट में जाने के बाद आप चले जाइए माई प्रोडक्ट्स में। ठीक है, साइन इन करने के बाद हम साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद हमको जाना है यहाँ से, अब होस्टिंग में चले जाएंगे। होस्टिंग के बाद मैनेज में अपने सी पैनल में जाएंगे। ये हमें ये देखिए, यहाँ से हम अपने ये हमारा सी पैनल खुल गया। ठीक है, और आपके सामने वही सी पैनल खुलने के बाद आपके सामने वही सब कुछ टूल्स वगैरह सब कुछ खुल गए हैं। ये देखिए, ये बिल्ड योर बिल्ड टूल्स, वर्डप्रेस, सी पैनल हैं, ये है इंस्टॉलरेशंस एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ से हमको ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर किया हुआ वेबसाइट वर्डप्रेस का, तो हमें अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल के लिए हम फिर वापस यहीं पर जाएंगे वेब एप्लीकेशंस में, वेब एप्लीकेशंस में हम यहाँ पर जाएंगे व्यू मोर में। ठीक है, व्यू मोर पे हम क्लिक करेंगे। व्यू मोर पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपकी ये विंडो खुल जाएगी, ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये माई एप्लीकेशंस, माई एप्लीकेशंस है, हम यहाँ पर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये माई एप्लीकेशंस। ठीक है, ये यहाँ पर हम आ गए, तो ये हमारी ये बिल्ट दिखा रहा है यहाँ पर, ऑलरेडी जो साइट हमारी बनाई हुई है। ठीक है, तो हमें अनइंस्टॉल करनी है, तो ये देखिए नीचे ऑप्शन आ रही है, अपडेट, एडिट, बैकअप एंड क्लोन, अनइंस्टॉल, तो हमें अनइंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो वो इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ से क्लिक करते हैं। ये देखिए, यहाँ से अनइंस्टॉल चंद सेकंड में अनइंस्टॉल हो गए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आप कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आप इन केस अगर आपको करना पड़े तो आप बहुत ही इजी तरीका है अनइंस्टॉल करने का। ठीक है, तो आपको ये अनइंस्टॉल करने ऐसे कर सकते हैं।